यदि आप कमजोरी से परेशान हैं या आपका शरीर कमजोर हो चुका है तो भुने हुए चने का सेवन रोजाना करें, क्योंकि इसके सेवन से कमजोरी दूर हो जाती है और शरीर ताकतवर बन जाता है। जब भी आप चिड़चिड़े हो रहे हो और आपका मूड ठीक नहीं हो तो आप 2 से 3 काजू का सेवन कर सकते हैं। इसके प्रयोग से आपका मूड ठीक हो जाएगा। कच्चा पपीता हमारे शरीर में झाड़ू का काम करता है। कच्चा पपीता आपके शरीर में जमे हुए खाने को पाचन क्रिया में पूरा साफ करने में भरपूर मदद करता है। कच्चा पपीता आपके शरीर में पुरानी कब्ज, अम्लता और डेढ़ से छुटकारा दिलाता है। बहुत जल्द कमजोरी से राहत पाने के लिए छल्ली का सेवन करना चाहिए। इसमें आयरन बी, विटामिन B12 और फ्लोरिक एसिड पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ये बॉडी में खून की कमी को दूर करते हैं, जिससे कमजोरी की प्रॉब्लम दूर होती है। जिन लोगों को लो BP की समस्या हो, उन्हें रोज 4 छुहारे गर्म पानी में भिगोकर उसका बीज निकालकर गाय के दूध में छुहारे डालकर उबाल ले और इसे चबा चबा कर खाए। घर में तैयार अदरक, लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट को ज्यादा समय तक रखने के लिए उसमें 1 चम्मच गरम तेल और नमक मिलाएं। खाना बार बार गरम ना करें, इससे उसमें मौजूद पोषक नष्ट हो जाते हैं। तरबूज खाने के फायदे। नियमित सेवन से कब्ज की समस्या दूर होती है। खून की कमी होने पर इसका जूस फायदेमंद साबित होता है। तरबूज में लाइकोपीन पाया जाता है, जो त्वचा की चमक को बरकरार रखता है। इसकी ताशरी ठंडी होती है, इसलिए दिमाग को शांत रखता है। तरबूज कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नियंत्रित करता है, जिससे इन बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इसको चेहरे पर रगड़ने पर भी निखार आता है और साथ ही ब्लैकहेड्स भी हट जाते हैं। बीजों को पीसकर चेहरे पर लगाने से निखार आता है, साथ ही इसका लेप सिर दर्द में भी आराम पहुंचाता है। तरबूज में मौजूद विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है। लोहे की किसी चीज या फिर चाकू पर यदि जंग लग गई हो तो उस पर प्याज को काटकर रगड़ दीजिए, जंग निकल जाएगा। 3 महीने तक काले जीरे के नियमित सेवन से शरीर में जमे हुए अनावश्यक फैट घटाने में बहुत ही सफलता मिलती है। काला जीरा फैट को गलाकर अपशिष्ट पदार्थों के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने में सहायक है। मूंगफली के फायदे। मूंगफली में तेल का अंश होने से ये पेट की बीमारियों को खत्म करती है। इसके नियमित सेवन से कब्ज की समस्या नहीं होती है, साथ ही गैस और एसिडिटी की समस्या से भी राहत मिलती है। दही वड़े बनाते समय, दाल फटते समय उसमें 1 उबला हुआ आलू अच्छी तरह से मसल कर मिक्स कर ले, वड़े मुलायम और स्वादिष्ट बनेंगे। गुड़ पेट की समस्याओं से निपटने के लिए एक बेहद आसान और फायदेमंद उपाय है। ये पेट में गैस बनना पाचन से संबंधित अन्य समस्याओं को हल करने में बेहद लाभदायक है। खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन पाचन में सहयोग करता है। काली किशमिश आयरन से भरपूर होती है। इसे खाने से बालों का झड़ना बंद हो जाता है और ये आंतों को साफ रखने में भी मदद करती है। गर्म दूध में हरी मिर्च डालकर रात भर रखें, सुबह दही जमा हुआ मिलेगा। बैगन भूनते समय उसमें लहसुन की 2 से 3 कलियां घुसा दे तो भरते का स्वाद अच्छा और नया लगेगा। पेट में कीड़े होने के लक्षण। पेट दर्द और ऐठन होना, हल्का बुखार, आंखें लाल होना, जीभ का सफ़ेद होना, मुंह से बदबू आना, दस्त लगना, वजन कम होना, जी मचलाना और उल्टी आना, मल त्याग करते समय खून आना, सोते समय दांतों का बजना। रोजाना खाने में 1 चम्मच इमली की पत्तियों की चटनी बनाकर खाएं, इससे भूख बढ़ने लगती है और खाना भी जल्दी हजम हो जाता है। पूड़ियों को बेलने के बाद इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज में रखें और फिर फ्राई करें। ऐसा करने से पूड़ियां फ्राई करते समय तेल नहीं सोखेंगी। इलायची का सेवन करने से मुंह और गले में मौजूद बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, इससे मुंह और गले का इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाता है। रात को सोने से पहले इलायची का सेवन आपके मुंह को रिफ्रेश कर देता है। इसे खाने के बाद मुंह से आने वाली प्याज और लहसुन की दुर्गंध खत्म हो जाती है। जो औरतें ठंडी के मौसम में अपने चेहरे पर बादाम का तेल या नारियल के तेल से मालिश करके सोती हैं, तो उनके चेहरे मुलायम हो जाते हैं। रात में नींद ना आने की समस्या का सामना करना पड़ता है। रात में सोने से तुरंत पहले इलायची खाने से आपको नींद अच्छी आती है, क्योंकि इसमें कई एंटी डिप्रेसिव गुण होते हैं जो मानसिक तनाव को कम कर देते हैं। इलायची का सेवन पुरुषों में पुरुष शक्ति को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। इसका लगातार सेवन आपकी पुरुष शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। बादाम के छिलके जल्दी उतारने के लिए उनको 15 से 20 मिनट के लिए गर्म पानी में रख दें, छिलके तुरंत उतर जाएंगे। रात में सोते वक्त 8 से 10 गिरी बादाम की भिगो दें और फिर सुबह उठकर छिलका हटाकर खाएं
और ऊपर से गाय का दूध पी ले, इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। सिर पर रोजाना तेल मालिश करने से सिर दर्द, गंजापन, कम आयु में बाल सफ़ेद और झड़ने आदि की शिकायतें दूर हो जाती है। जो औरतें सुबह खाली पेट 3 से 4 अखरोट खाती हैं तो उन्हें घुटनों के दर्द में आराम मिलता है। जिन लोगों को सर्दी जुकाम ज़्यादा होता है उन्हें अपनी डाइट में अंडे का सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर को गर्माहट मिलती है। कुकर में चिपक जाते हैं चावल। जल्दबाजी में अगर कुकर में बिरयानी या पुलाव बनाना पड़ता है तो कई बार चावल स्टिकी हो जाते हैं। चावल की स्टिकनेस कम करने के लिए कुकर का ढक्कन बंद करने से पहले उसमें 2 चम्मच नींबू का रस डाल दें। ये चावलों को चिपकने नहीं देगा और पुलाव खिले खिले बनेंगे। किसी भी तरह की त्वचा संबंधित समस्या हो या फिर चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाना हो, गर्म पानी इसका सही उपाय है। रोज सुबह सुबह गर्म पानी पीना शुरू कर दें। थोड़े ही दिनों में आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी और कील मुहासे और पिंपल से भी छुटकारा मिल जाएगा। गुरुवार के दिन और रात के समय कभी भी कपड़े नहीं धोने चाहिए, ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता और घर में सुख समृद्धि नहीं आती है। मान्यता है कि गुरुवार के दिन और रात के समय कपड़े धोने से धन हानि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति गुरुवार के दिन कपड़े धोता है तो इससे पैसों की तंगी होने के संकेत मिलते हैं, साथ ही घर से खुशहाली भी जाने लगती है। अगर आपका पेट ज्यादा बढ़ रहा है तो लहसुन के रस से पेट पर मालिश करें, इससे बढ़ता हुआ पेट कम होने लगेगा। जब मलाई से डायरी घी निकाले तो कभी भी जो मलाई का दूध या छाछ जो भी बोले वो बचता है उसको कभी भी फेंके नहीं, उसको हल्की आंच पर गर्म करें, फिर थोड़ा सा दही डालकर जमने रख दें। आप इसकी छाछ बनाएं। यदि आपको खाना खाने के बाद खट्टी डकार आने की समस्या है तो प्याज पर काला नमक और नींबू लगाकर खाएं, इससे बदहजमी नहीं होगी। खुजली का आयुर्वेदिक इलाज, नींबू को काटकर उसके रस को खुजली वाली जगह पर मलने से हर तरह की खुजली से छुटकारा मिलता है। खुजली होने पर तुलसी के कुछ पत्तों को लेकर उन्हें प्रभावित क्षेत्र पर रगड़ें, नीम के तेल को थोड़ा सा प्रभावित क्षेत्रों पर लगाएं, उससे मसाज करें। इस तेल को ऐसे ही लगा हुआ छोड़ दें। इलायची बच्चे के लीवर के कार्य में सुधार को बढ़ावा देती है। ये विटामिन ए से भरपूर होती है जो कि स्किन को हेल्दी रखता है। विटामिन ए आंखों के लिए भी अच्छा होता है, इससे शरीर इन्फेक्शन से भी लड़ पाता है। यदि आपका जुकाम ठीक ना हो रहा हो तो लहसुन को तेल में गर्म करें। अब इस तेल को ठंडा होने पर नाक में डालें और पैरों के तलवे पर मालिश करें। मोटापा कम करेगा मेथी का पानी। 1 चम्मच मेथी दानों को रात में 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह छान कर खाली पेट पी लें। इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है जिस वजह से इसे पीने के बाद देर तक भूख नहीं लगती है। पेट में किसी तरह की परेशानी होने पर नींबू पानी कभी नहीं पीना चाहिए, इससे मौजूद एसिड पेट में अल्सर की परेशानी पैदा कर सकता है जिससे जलन और पेट दर्द हो सकता है। सुबह उठकर मुंह में लौंग पानी रखने से और ठंडे पानी से आंखों में छींटे मारने से आंखों की रोशनी तेज होती है। सर्दियों में गोभी का पराठा और दही खाने से बहुत ही लाभ होता है। हल्दी के दूध का आयुर्वेद में बहुत ही बड़ा योगदान है और इसके बहुत से महत्व है। हल्दी का दूध कई बीमारियों को जड़ से खत्म करने में सहायक होता है। साथ में जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द में भी हल्दी का दूध सर्वोत्तम माना गया है। जो औरतें काम करके जल्दी थक जाती हैं या जल्दी बीमार पड़ती हैं, उनको इमली जरूर खानी चाहिए, क्योंकि इमली इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाती है और इमली में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है। मूली को काटकर उसका रस रोजाना 1/2 कप से 1 कप पिए। मूली का रस बवासीर के दर्द को ठीक करने के साथ साथ बवासीर को भी ठीक कर देता है। लहसुन को ज्यादा दिनों तक स्टोर करना चाहते हो तो उसकी कलियों को छीलकर साफ सुथरे डिब्बे में बंद करके फ्रीज में रखें। ध्यान रहे लहसुन पानी में गीला ना हो और ना ही डिब्बे में नमी हो। लाल मिर्च पाउडर को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें हींग का 1 टुकड़ा डाल दें। लाल मिर्च खराब नहीं होंगे। शक्कर का डिब्बा अगर गलती से खुला रह जाए तो उसमें चींटियां लग जाती है। चींटियों से बचने के लिए डिब्बे में 5 से 6 लौंग डाल दें, चींटियां कभी नहीं आएंगी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य कार्य के लिए है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ये नियम को अपनाएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी बताई गई जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसी जानकारी और टिप्स की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।
साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।